दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मैं देखूं या दिल्ली के आम नागरिक के रूप में देखूं, मैं दिल्ली के लोगों को ये बजट निराश करता है। केंद्र सरकार ने कुल मिला के केंद्रीय करों से हर साल की तरह 325 करोड़ रुपए दिल्ली को दिए हैं, 325 करोड़ रुपए, और ये अभी नहीं दिए, हर साल पिछले 2001 से 22 साल से केंद्र सरकार केंद्रीय करों में से केवल 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देती है, और इस साल भी 325 करोड़ रुपए का बजट रखा है, वही 22 साल पुराना, जबकि 1,78,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोग सेंट्रल टैक्सेस में देते हैं, लेकिन 1,78,000 करोड़ में से सारे राज्यों को जो सेंट्रल पूल से मिलता है वो 42% मिलता है, हमको मिलता है, दिल्ली को मिलता है 325 करोड़ रुपए, और आज से नहीं 22 साल से मिल रहा है, उसको चेंज नहीं किया गया, एक रुपया नहीं बढ़ाया गया उसमें। दूसरा, एमसीडी को कोई पैसा नहीं दिया गया, जब भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार थी तब भी नहीं देते थे, अभी भी कोई पैसा नहीं दिया, सारे देश के नगर निगमों को पैसा देते हैं, एमसीडी को कोई पैसा नहीं दिया गया। अगर टोटल देखें तो जो भी स्कीम और ये सब मिला के दिल्ली को जो पैसा मिला है, 611 रुपए प्रति व्यक्ति के पीनट्स दिल्ली को दिए हैं, जबकि बाकी राज्यों को आप देखेंगे तो महाराष्ट्र को 64,000 रुपए प्रति व्यक्ति, कर्नाटका को 37,000 रुपए प्रति व्यक्ति, मध्य प्रदेश को 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति, इस तरह के रेट से पैसा मिल रहा है केंद्र सरकार से, लेकिन दिल्ली को 311 रुपए प्रति व्यक्ति पिछले 23 साल से देती है केंद्र सरकार, जो कि बहुत ही अन्याय है, और यह अन्याय अभी भी जारी रखा है, निराश किया है दिल्ली को इस बार के बजट ने भी।